सांपों को लेकर दुनिया भर में कई अंधविश्वास और मिथक प्रचलित हैं। खासकर भारत में कुछ लोग मानते हैं कि सांपों की आंखें इंसान की तस्वीर ले सकती हैं या सांप बदला ले सकते हैं, लेकिन इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सांपों को देखकर डरना स्वाभाविक है, लेकिन अधिकांश सांप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे सिर्फ अपने बचाव में हमला करते हैं। नंबर एक, क्या सांप हम इंसानों की तरह सोते और रोते भी हैं? नंबर दो, सांप कितने दिन में बच्चा पैदा करते हैं, उनके मेटिंग पीरियड्स और उनकी लाइफ? नंबर तीन, अगर सांप आपको काट ले तो सबसे पहले क्या करें? नंबर चार, काटने के तुरंत बाद क्या करें? नंबर पांच, कौन से उपाय तुरंत कारगर होते हैं? नंबर छह, कैसे पहचाने कि सांप जहरीला था या नहीं? नंबर सात, अगर सांप आपको काट ले तो क्या करें? आपको उसका जहर चूसना या फिर उस जगह को बांधना चाहिए? नंबर आठ, सांप अपनी जुबान बाहर क्यों निकालते हैं? नंबर नौ, सांप पानी कैसे पीते हैं? नंबर दस, अस्पताल जाने तक के समय में आप क्या सावधानियां बरतें? सांप काटने से जुड़ी गलतफहमियों का पर्दाफाश। आज की इस वीडियो में हम इन 10 सवालों को कवर करेंगे, और ये वीडियो सांपों के बारे में ऐसी रोचक जानकारी प्रोवाइड कराने वाली है कि जिसे आप जानकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। इसे अंत तक जरूर देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिश्बा ज्ञान पर। नो फेक नो ड्रामा ओनली सच। सांप धरती पर लगभग 14 करोड़ साल पहले आए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार सांपों की उत्पत्ति क्रेटेशियस पीरियड में हुई थी, जो कि डायनासोर के समय का हिस्सा भी है। सांपों का विकास उन छिपकलियों से हुआ माना जाता है कि जो अपने शरीर को जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए ढालने लगी, जिससे उनके पैर धीरे धीरे खत्म हो गए और वे सांपों के रूप में विकसित हो गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांपों का पृथ्वी पर आने का सफर इस प्रकार है। सांपों का विकास चार पैरों वाले रेप्टाइल से हुआ, जिन्हें ट्रेटापोड्स कहा जाता है। शुरुआती सांपों के पैर भी हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वे अधिक एसिनेस से छिपने और शिकार करने के लिए बिना पैरों के विकसित हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि सांपों के शुरुआती एंसेस्टर समुद्री जीवन में रहते थे। धीरे धीरे वे समुद्र से धरती पर आए और समय के साथ अपने शरीर में एडेप्टेशन किया। कुछ सांपों ने पानी के अंदर शिकार करने के लिए अपना शरीर लंबा और लचीला बना लिया, जबकि कुछ ने जमीन पर रहने के लिए अपने शरीर को कस्टमाइज किया। धरती पर लगभग 3000 से अधिक प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सांपों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। सांपों की ये प्रजातियां पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं, जैसे जंगल, रेगिस्तान, नदी और समुद्र। इनमें से लगभग 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं, जिनमें से कुछ इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। आइए जानते हैं सबसे जहरीले सांप कौन कौन से हैं। कोबरा, क्रैत, रसल वाइपर, सा स्केल वाइपर, टाइपन, ब्लैक मांबा, समुद्री सांप, नॉन वेनमस स्नेक, गैर जहरीले सांप, अजगर, रेट स्नेक, वाटर स्नेक, किंग स्नेक, बोआज। ये सांप जहर पैदा नहीं करते और इंसानों के लिए कम खतरनाक होते हैं। कुछ प्रमुख गैर जहरीले सांपों में शामिल हैं। सांपों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के जहर या विष पाए जाते हैं, जो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। न्यूरोटॉक्सिस वेनम, ये जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसका असर मस्तिष्क और शरीर के बीच के डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन करने पर होता है, जिससे मसल्स की गतिविधि बंद हो जाती है। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है और गंभीर मामलों में सांस रुकने से मृत्यु हो सकती है। कोबरा और करेत जैसे सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिस होता है। हेमोटॉक्सिस वेनम, ये जहर ब्लड एंड ब्लड वेसल पर हमला करता है। इसका असर शरीर की रक्त कोशिकाओं और टिश्यूज को नुकसान पहुँचाने पर होता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ये जहर रक्त के क्लोट्स बनाने की प्रक्रिया को इंटरप्ट करता है, जिससे अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है। वाइपर और रेटल स्नेक जैसे सांपों का जहर हेमोटॉक्सिस होता है। साइकोटॉक्सिस वेनम, ये जहर सेल्स को नष्ट करने पर केंद्रित होता है। इससे प्रभावित क्षेत्र की स्किन, मसल्स एंड टिश्यूज खराब हो जाते हैं और कभी कभी अंग गलने भी लगता है। इस जहर का असर मुख्य रूप से सांप के काटने वाली जगह पर होता है, जिससे सूजन और तेज दर्द होता है। पिट वाइपर और कुछ कोबरा प्रजातियों का जहर साइकोटॉक्सिस होता है। ये जहर अलग अलग तरीकों से शरीर पर हमला करते हैं और इनके प्रभाव से नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम एंड सेल्स पर नुकसान हो सकता है। सांप रोते नहीं हैं, क्योंकि उनके आंसू बनने वाली ग्रंथियां तो होती हैं,
लेकिन वे इंसानों की तरह भावनात्मक रूप से आंसू नहीं बहाते। सांपों की आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है जो आंखों को नमी रखने के लिए तरल बनाती है। यह तरल उनकी आंखों की सुरक्षा के लिए होता है, न कि भावनात्मक कारणों से। सांपों के आंसू केवल उनकी आंखों को सूखने से बचाने और धूल या गंदगी से बचाने के लिए होते हैं। वे इंसान की तरह दुख या खुशी में आंसू नहीं बहाते। सांपों की आंखों में पलके नहीं होती। उनकी आंखें एक पारदर्शी शील्ड या स्केल्ड स्पेक्टेकल से ढकी होती है जो उनकी आंखों की सुरक्षा करती है। उनके आंसू एक पतली परत के रूप में उनकी आंखों की सतह पर होते हैं ताकि आंखें नम और साफ रहें। सांप भावनात्मक रूप से नहीं रोते, लेकिन उनकी आंखों में लिक्विड सेक्रेशन उनकी आंखों की सुरक्षा और देखभाल के लिए होता है। सांपों का प्रजनन आमतौर पर साल में एक बार होता है। यह मौसम, तापमान और प्रजातियों के अनुसार भिन्न होता है। अधिकांश सांप स्प्रिंग या गर्मियों में प्रजनन करते हैं। मादा और नर सांपों में यौन पहचान के कुछ वेरिएशन होती है। नर सांप के शरीर में छोटे प्रजनन अंग हेमिपेनस होते हैं, जबकि मादा सांप के पास कोई ऐसा अंग नहीं होता। नर सांप की पूंछ के आधार पर उसकी पहचान की जा सकती है। नर सांप की पूंछ मादा पूंछ की तुलना में अधिक लंबी होती है। नर सांप अपनी महक फेरोनोमिस से मादा सांप को आकर्षित करते हैं। जब मादा तैयार होती है तो वह नर के पास आती है। यौन क्रिया के दौरान नर सांप अपने प्रजनन अंगों को मादा के प्रजनन अंगों में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर बहुत तेज होती है। नर सांप अपनी स्पर्म को मादा के शरीर में छोड़ता है, जहां वह अंडे को फर्टिलाइज करता है। प्रजनन के बाद मादा सांप अंडे देती है, जिसे ओविपेरस प्रजातियां कहा जाता है। अंडा देने वाली प्रजातियां अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखती है, जबकि जीवित बच्चा पैदा करने वाली प्रजातियां सीधे जन्म देती है। सांपों के प्रजनन के तरीके के आधार पर उनके बच्चों के जन्म के समय वेरिएशन होती है। सांपों की कुछ प्रमुख प्रजातियों के लिए जन्म या अंडा देने की अवधि इस प्रकार है। आमतौर पर 60 से 90 दिन में अंडे देते हैं। जब अंडे तैयार होते हैं तो मादा सांप उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखती है। अंडों से बच्चे निकलने में 60 से 90 दिन लगते हैं, जो प्रजातियों के आधार पर डिफरेंट हो सकता है। बच्चा पैदा करने वाले सांप जैसे कि गार्टर स्नेक और कुछ अन्य प्रजातियां, ये सांप सीधे जीवित बच्चा पैदा करते हैं। गर्भावस्था की अवधि 2 से 6 महीने होती है, लेकिन प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ गार्टर स्नेक प्रजातियां 3 से 4 महीने में बच्चों को जन्म देती है। सांपों की उम्र उनकी प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होती है। आमतौर पर सांप की औसत उम्र 10 से 20 साल तक होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां इससे ज्यादा समय तक भी जीवित रह सकती हैं। नंबर 1, अजगर पाइथन। अजगर की उम्र 20 से 30 साल तक हो सकती है। कुछ अजगर 40 साल से भी अधिक जीवित रहते हैं। नंबर 2, कोबरा। कोबरा की उम्र 20 साल तक हो सकती है। नंबर 3, रेट स्नेक। रेट स्नेक की उम्र लगभग 10 से 15 साल होती है। नंबर 4, गार्टर स्नेक। ये छोटे सांप होते हैं और इनकी उम्र लगभग 10 से 12 साल होती है। सांपों का जीवन एंटीसिपेशन, उनके पर्यावरण, भोजन की उपलब्धता और सुरक्षा पर निर्भर करती है। कैद में रखे गए सांप अक्सर जंगली सांपों से ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्हें शिकारियों से खतरा नहीं होता और उन्हें नियमित भोजन और चिकित्सा मिलती है। सांप काटने की स्थिति में सही जानकारी और क्विक कदम उठाना बहुत जरूरी है। सांप काटने से जुड़ी जानकारी और सही उपाय जानने से आप या कोई और जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। आइए इस विषय पर और गहराई से जानकारी हासिल करते हैं। सांप के काटने के सिम्टम से यह पहचाना जा सकता है कि सांप जहरीला था या नहीं। कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। काटे हुए स्थान पर तेज दर्द और सूजन, जहरीले सांप के काटने से तुरंत दर्द होता है, जबकि गैर जहरीले सांप के काटने पर ऐसा कम होता है। काले या नीले रंग की स्किन, काटे हुए स्थान के आसपास स्किन का रंग बदल सकता है। चक्कर आना और उल्टी, शरीर में जहर के असर से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं या उल्टी हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ, अगर सांप का जहर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। धुंधली दृष्टि और कमजोरी, जहर का असर होने पर शरीर में कमजोरी और दृष्टि धुंधली हो सकती है। सांप को पहचानने की कोशिश करें, लेकिन इसे पकड़ने की कोशिश ना करें। यह जानना जरूरी है कि सांप जहरीला था या नहीं, लेकिन सांप को पकड़ने या मारने के प्रयास में समय ना गंवाएं। सांप की पहचान से डॉक्टर सही एंटीवेनम दे सकते हैं। काटे गए स्थान को स्थिर रखें, उस हिस्से को जितना हो सके स्थिर रखें और दिल से नीचे रखें, ताकि जहर का फैलाव धीमा हो सके। बॉडी को कम से कम हिलाएं, जहर चूसने की कोशिश ना करें। यह एक पुरानी और गलत प्रिसेप्शन है कि जहर को चूस कर निकाला जा सकता है। इससे जहर निकालने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। काटे हुए स्थान को गर्म या ठंडा ना करें। कई बार लोग घाव पर बर्फ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे रक्त का फ्लो धीमा हो सकता है और जहर फैल सकता है। किसी भी प्रकार की पट्टी या टोर्नीक्यूट ना बांधें।
घाव के आसपास पट्टी बांधने से खून का बहाव रुक सकता है, जिससे अंग को नुकसान पहुंच सकता है। अल्कोहल या कैफीन न लें, ये पदार्थ ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, जिससे जहर तेजी से फैल सकते हैं। सांप काटने के बाद एंटीवेनम जहर के खिलाफ दवा सबसे महत्वपूर्ण उपचार है। यह एंटीवेनम डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और इसका सही समय पर इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एंटीवेनम खासकर जहरीले सांप के जहर को इनएक्टिव करने के लिए बनाया गया होता है। सांप के काटने के बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। जितनी जल्दी उपचार मिलेगा, जहर के असर को नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। डॉक्टर को सांप की पहचान बताएं। अगर आपने सांप की प्रजाति की पहचान कर ली है तो डॉक्टर को बताएं, ताकि सही एंटीवेनम दिया जा सके। एंटीवेनम का इस्तेमाल सांप काटने के इलाज के लिए डॉक्टर विशेष प्रकार के एंटीवेनम का उपयोग करते हैं, जो जहर को बेअसर कर देता है। इसे समय पर लेना बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में सांप के काटने के बाद भी व्यक्ति को कमजोरी, घाव का इन्फेक्शन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें, सावधानी बरतें। अगर आप जंगल, खेतों या सांपों के निवास स्थान के पास रहते हैं तो हमेशा सावधान रहें। लंबे जूते और ढीले कपड़े पहने, लालटेन या टॉर्च का उपयोग करें। सांप ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं। रात के समय अंधेरे स्थानों पर चलने से पहले टॉर्च का उपयोग करें। घर के आसपास गंदगी और कचरा जमा ना होने दें, क्योंकि ये सांपों को अट्रैक्टिव करता है। सांपों के बिलों या घास के ढेर से दूर रहें। सांप अक्सर घास के ढेर, पत्थरों के नीचे या बिलों में छिपते हैं, इसलिए इन जगहों पर सावधानी बरतें। कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट स्नेक बाइट। गलतफहमी नंबर एक, सभी सांप जहरीले होते हैं, सच या झूठ? ऐसा नहीं है, अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते हैं। गलतफहमी नंबर दो, जहर चूस कर निकाला जा सकता है, सच या झूठ? जहर को चूसने की कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, बल्कि यह नुकसानदायक हो सकता है। गलतफहमी नंबर तीन, काटे हुए स्थान को चीरने से जहर बाहर आ जाएगा, सच या झूठ? इससे ब्लीडिंग और इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। सांप के काटने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है तुरंत सही कदम उठाना, घबराना नहीं और जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता प्राप्त करना। हरकत कम से कम रखें, जहर को रोकने की कोशिश करें और जल्द से जल्द एंटीवेनम इलाज प्राप्त करें। समय पर उपचार जीवन बचा सकता है, इसलिए सांप के काटने को हल्के में ना लें और सही जानकारी से ही सुरक्षित रहें। सांपों का शरीर लचीला और लंबा होता है, जिसकी लंबाई उनकी प्रजाति के आधार पर बहुत अलग अलग हो सकती है। सबसे छोटे सांप की लंबाई कुछ इंच होती है, जबकि सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन 30 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। सांपों की त्वचा पर सल्क या स्केलेट होते हैं, जो उन्हें सूखे और कठोर वातावरण में भी जीवित रहने में मदद करते हैं। यह सल्क समय समय पर गिरते हैं और नई स्किन बनती है, जिसे मोल्टिंग या शेडिंग कहा जाता है। सांपों की दृष्टि की क्षमता उनकी प्रजाति पर निर्भर करती है। कुछ सांपों की दृष्टि अच्छी होती है, जबकि कुछ रात में शिकार करने के लिए इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करते हैं। सांपों के कान नहीं होते हैं, लेकिन वे जमीन की कंपन को अपने जबड़ों से महसूस कर सकते हैं। ये कंपन उनके मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे उन्हें शिकार या खतरे का पता चलता है। सांप अपनी दो शाखी जीभ से गंध महसूस करते हैं। वे जीभ को हवा में निकालकर गंध के कणों को पकड़ते हैं और फिर उसे मुंह के अंदर जैव कोबंस के अंग तक पहुंचाते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। ये उन्हें शिकार ढूंढने और शिकारियों से बचने में मदद करता है। सांप मांसाहारी होते हैं और वे छोटे जानवरों, पक्षियों, अंडों और कभी कभी दूसरे सांपों को भी खाते हैं। जहरीले सांप अपने जहर से शिकार को मारते हैं, जबकि गैर जहरीले सांप अपने शिकार को दबा कर मारते हैं, जिसे स्ट्रैंगुलेशन कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। सांप एक बार में बड़े शिकार को निगल सकते हैं, क्योंकि उनका जबड़ा लचीला होता है और उनके पास थोड़ी की हड्डी नहीं होती, जो उन्हें बड़ा शिकार निगलने में मदद करती है। सांप पानी पीते हैं। सांपों का पानी पीने का तरीका बाकी जानवरों से थोड़ा अलग होता है। वे पानी को जीभ से नहीं चाटते, बल्कि अपना जबड़ा पानी में डालकर पानी को अंदर खींचते हैं। पानी खींचने की प्रक्रिया, सांपों के मुंह में एक विशेष प्रकार की मस्कल होती है, जिसके जरिए वे पानी को मुंह के अंदर खींचते हैं। जब वे मुंह खोलते हैं और अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, तो पानी उनके गले की ओर खींचता है। सांपों को भी शरीर में नमी बनाए रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, जैसे अन्य जीवों को होती है। खासकर गर्म मौसम में या शिकार के बाद सांप अधिक मात्रा में पानी पीते हैं। जंगलों, रेगिस्तानों और अन्य प्राकृतिक स्थानों में सांप झीलों, नदियों या बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। कुछ सांप ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, वे अपने शिकार से ही जरूरी पानी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिकार में भी पानी होता है। सांप सोते हैं, लेकिन उनका सोने का तरीका इंसानों और अन्य जानवरों से अलग होता है। आइए सांपों की नींद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। सांप गहरी नींद में नहीं जाते, जैसे कि अन्य स्तनधारी जीव। वे एक हल्की नींद में होते हैं, अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। जब सांप सोते हैं तो उनकी मांसपेशियां आराम करती हैं,
और वे अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं। सांपों के पास पलकें आईलिड्स नहीं होती, उनकी आंखों पर एक पारदर्शी ढक्कन होता है जिसे स्केल कहा जाता है। यह ढक्कन उनकी आंखों की सुरक्षा करता है और उन्हें सोते समय सुरक्षित रखता है। सांप अक्सर छिपने के लिए सुरंगों, गड्ढों या घास में छिप जाते हैं। वे ठंडे और अंधेरे स्थानों को पसंद करते हैं जहाँ वे सुरक्षित महसूस करते हैं। सांप दिन में या रात में सो सकते हैं, यह उनकी प्रजाति और पर्यावरण पर निर्भर करता है। कुछ सांप रात में सक्रिय होते हैं जबकि कुछ दिन में। सांपों की नींद की अवधि प्रजातियों के अनुसार भिन्न होती है। आमतौर पर वे दिन में कुछ घंटों के लिए और रात में लंबे समय के लिए सो सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको सांपों के बारे में कुछ अलग ही जानकारी मिली होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।